आई एम डन विथ माय वर्कआउट। आज चेस्ट को एकदम मैच्ड अप कर दिया, मजा आ गया। अब तो स्ट्रेंथ भी आने लगा है ना, तो अब अच्छे से वर्कआउट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आज का दिन बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि अभी मैं घर जाऊंगा और उसके बाद तुरंत मुझे बाहर निकलना है। तो गाइज अभी जिम से आया हूँ, पहले प्रोटीन पीऊंगा, उसके बाद इन सारे कपड़ों को भी मुझे फोल्ड करने हैं। जिम से घर आने के बाद मेरे पास एक घंटे का लूप था जिसमें मैंने टाइम निकाल कर एडिटिंग कर ली और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। क्या सियाप्पा है गाइज, मैंने ये देखो कुकर में सारे चीज डाल दिए थे, चावल भी यहाँ पे धोने के लिए डाला था और गैस खत्म हो गई। अब मुझे गैस चेंज करना पड़ेगा। सिलेंडर चेंज हो गया, खाना अभी चढ़ा दिया है मैंने, किधर गया, ये यहाँ पे खाना अभी चढ़ा दिया है मैंने कुकर में। थोड़ी देर में सीटी खुल जाएगी, खाना खाऊंगा उसके बाद नहाने जाऊंगा। आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी आप खाना बनाने के मिड में रहते हो, इन द मिडिल सिलेंडर खत्म हो जाता है और तब आपको चेंज करना पड़ता है? खास करके ज्यादातर तो रात में ये सिलेंडर खत्म होता है क्योंकि प्रोबेबली उसी टाइम पे हम लोग खाना बनाते रहते हैं। तो 4:15 हो रहे हैं, मैं अभी निकल रहा हूँ। आपको मैं बता नहीं सकता, खाना खाने के बाद बड़ी तेज वाली आलस आ गई थी मेरे अंदर। वैसे भी चावल खाने के बाद थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाती है ना। ओ भाई साहब, यहाँ तक का ट्रैफिक जाम है, ये सब गाड़ियाँ अभी रुकी हुई थी, ये पूरी रोड जाम है भाई साहब। वेल घर से तो निकल गया हूँ गाइस, मौसम काफी अच्छा है, फिर भी रेनकोट आज भी रख लिया है बैग में। सभी लोगों देख रहे हो आप पीछे मैंने जैसे, अरे भाई साहब सामने अभी दिखा मेरे को, ये जाम है। अब इस जाम को क्लियर होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बुरे फंसे हैं भाई आज, बुरे फंसे हैं। एक काम करता हूँ, मैं भी यू टर्न ले लेता हूँ, जब बाइक वाले भी रुके हुए हैं तो समझो कितना जाम होगा। बंद है क्या? ले भाई यू टर्न ले ले भाई, आगे पीछे से एक शॉर्टकट है ना रास्ता जो सीधे वेस्टर्न एक्सप्रेस पे ले जाती है, मगर वो रास्ता थोड़ी ख़राब है इसलिए उसको अवॉइड कर रहा था मैं। अभी इससे वापस चलते हैं और उसी रास्ते से निकलना होगा मुझे। तो गाइज मैं वापस आ गया अमित के फ्लैट पे और अभी अमित के फ्लैट पे हूँ। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी और धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ते जा रही थी। जो मैंने दूसरा रास्ता भी लेने का सोचा ना, उधर भी पूरा जाम, सब जगह जाम पूरा पैक्ड था। सर को मैंने कॉल किया कि सर आज फिर नहीं आ पाऊंगा बिकॉज ऑफ द रीज़न जो बताया कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तो अब सीधे कल जाऊंगा। अभी घर आकर के अमित को जब बता रहा हूं कि इतनी ट्रैफिक थी तो ये विश्वास नहीं कर रहा। अभी गूगल मैप में इसने देखा है, दिखाता हूं मैं आपको। दिखा भाई, 4.9 किलोमीटर जाने के लिए 40 मिनट्स, ये देख रहे हैं पूरा रेड दिखा रहा है, पूरा का पूरा। यहाँ पे कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह से। Cheers, bro. तो गाइज अभी मैं और अमित आए हैं यहाँ पे, ये लोकेशन तो आप जानते ही हैं, देखा ही होगा ब्लॉग में पहले भी। आज मैंने थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, हमेशा तो जिम वाला टी शर्ट में इधर आता हूँ, जैसे अमित अभी जिम वाले टी शर्ट में है। तो इसको मैंने बोला कि भाई 2-3 अच्छे फोटो खींच दे, मेरे कास्टिंग वालों को भेजना होता है, तो अभी अमित मेरा फोटो खींचेगा। दो चार फोटो खिंचवाया तो है, मगर यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा काट रहा है, बहुत ज्यादा। इधर चल, उधर करते हैं, चल दूसरे जगह चलते हैं। तो ये एक नया लोकेशन है जहाँ हम लोग आए हैं होटल के, इधर ये पार्किंग बना था मगर यहाँ पे कार कभी पार्क नहीं हुआ और इधर लोग पार्टी कर रहे हैं। ये सब सैटरडे को इधर पार्टी होती है, फ्राइडे को भी लोग कर रहे हैं, थर्सडे को भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये सब अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, इन सब में आप रह लोगे क्या पूरी रात? कुछ लाइट वाइट कुछ नहीं, देखने में कितना भूतिया टाइप दिख रहा है। लेपड़ आता है खड़ा होकर, यहाँ से मस्त फोटो आएगा भाई, वो DSLR में आएगा वहाँ भाई, उतना दूर ना जाऊंगा मैं फोटो के चक्कर में। देखिए लोकेशन दिखाता हूँ गाइस, ये पूरा जंगल है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इधर से हम लोग आए हैं, ये पूरा पार्किंग है और ये पूरा बंगलो वगैरह है, यहाँ पे सब पार्टी वार्टी होते रहती हैं, स्विमिंग पूल वगैरह इंक्लूडेड है इनमें। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, शाम काफी हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, अब लाइट भी अच्छे से नहीं आ रहा था तो इसलिए फोटो अच्छे नहीं आ रहे थे। जितने भी फोटो क्लिक करे हैं उसको अब लैपटॉप में जाके देखूंगा, 2-4 भी अच्छे निकल जाए तो बढ़िया है। बाकी हमने प्लान किया है कि और सारे कपड़े और बहुत सारे प्रॉप्स वगैरह लेके आएंगे और लाइट में आएंगे 4-5 के बीच में, ताकि कुछ अच्छे 2-4 अच्छे फोटोज वगैरह यहाँ से क्लिक करवा लूंगा। Thank you.
गाइस आज रात में हम लोग चिकन बनाने का प्लान बनाया हमने और अभी चिकन लेकर के जा रहे हैं चिकन शॉप से। देखो बिल्ली, क्या बे डर नहीं लगता तेरे को? मरने से डर नहीं लगता तेरे को? हाँ भला इससे हमको डर लग रहा है। बिल्कुल भाई, ये मेरा दोस्त है, मेरा सब्सक्राइबर है। अभी मैंने इससे मसाला मांगा, अरे सामने था, मेरे को नजर नहीं आ रहा था। ये भाई बोलता है वीडियो ऑन कीजिए ना तब दूंगा। थैंक यू भाई, वेलकम। तो गाइस घर आ चुका हूँ, ये सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं, अभी जो सूखने के लिए डाला हुआ था सब सूख चुके हैं, इसको अब रखूंगा अलमीरे में। घर आने के बाद मुझे मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, बहुत टेम्पटेट कर रहा है मीठा खाने के लिए, तो अभी फ्रिज में रख। ये मिठाई जो सुमित भाई लाए थे मेरे लिए नागपुर से, एक डब्बा खा चुका हूँ, दूसरे डब्बे का थोड़ा बहुत बचा है। सुमित भाई जब ये मिठाई का डब्बा लेके आए थे तब तो मैं उनको मना कर रहा था, सुमित भाई प्लीज अगर अगली बार आओगे तो मत लेके आना मिठाई, मत लेके आना, क्योंकि मीठा मैंने बंद करके रखा है ना, मीठा खाता नहीं हूं मैं। लेकिन कभी कभी जब मन होता है, जैसे अभी जब मैं इसको खा रहा हूं, तो दिल से सुमित भाई के लिए बहुत अच्छा निकल रहा है कि अरे वाह थैंक यू भाई आप लेके आए हो, इसके लिए मैं ये खा पा रहा हूं। तो ये हमारा लजीज चिकन बन रहा है, अभी रेडी होने वाला है और ये चावल मैं अभी चढ़ाने जा रहा हूं। सो गाइस आज हम लोग बहुत दिनों बाद चिकन बनाए थे हम लोगों ने, कैसा लगा वो अमित कुछ शब्दों में बताएगा। बनाया मैंने, अच्छा बताएगा। चिकन बेहद लजीज था, बेहद ही ज्यादा, लेकिन हमने उसमें काली मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च, तीनों मिर्च, अरे वाह लिफ्ट आ गई भाई, रात को ये वाला चमत्कार होता है कि आप डालो और लिफ्ट आ जाए। चलिए चिकन पे वापस आते हैं। हमने तीनों मिर्च डाल दिया था और माँ कसम खाना खाते खाते भाई साहब क्या कि भाई ये जो होट है ना ये वाला पूरा एकदम ऐसे जल रहा था, लेकिन बहुत मजेदार रहा। क्या चिकन ये डिलीवर करेंगे जो चिकन हम लोग खाते हैं बना के खाए। तो अभी हम लोग आए हैं अपार्टमेंट से बाहर और चिकन खाए हैं, ऐसे भी रात को खाना खाने के बाद वॉक पे जाते हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा वॉक करेंगे, मीठा पान खाएंगे, मीठा पान। हाँ ये जिद कर रहा था मुझे चिकन खाने के तत्पश्चात, इसने बोला कि क्यों ना चल के मीठा पान खाया जाए, मेरा बिल्कुल मन नहीं था बट फिर भी चल रहे हैं मीठा पान खाने के लिए। मित्र दुर्योधन हमें पान खिलाओ, मीठा पान, दो चेरी। हाँ दो चेरी वाला, एक चेरी वाला नहीं चलेगा काम, चूना रगड़ के, चूना कत्था सब डलेगा, होठ एकदम लाल हो जाना चाहिए भाई, ज्यादा ही लाल हो जाए। ये हमारा पान रेडी हो रहा है गाइस। साढ़े बारह हो रहे हैं और मैं घर आ गया वॉक करते हुए। अब थोड़ा क्या करेंगे, प्रोटीन लेंगे, रॉ प्रोटीन तो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया, बस इतना ही बच रहा है जो डब्बे में दिख रहा है आपको। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने बेडरूम में और अब अपने बेड पे सोने की तैयारी है, प्रोटीन वगैरह सब ले लिया है मैंने। मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो या यहाँ तक आप देख रहे हो वीडियो को, तो लाइक करके जाना। लाइक करने से क्या होता है ना, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो भी कम से कम लाइक करके जाना। लाइक करने से क्या होता है ना कि YouTube को ये मालूम चलता है कि मेरी वीडियो अच्छी है और लोग इसे देख रहे हैं, तो उससे मुझे ये मदद मिल जाएगी कि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, मेरी रीच जो है ना वो बढ़ पाएगी चैनल की, तो मेरी थोड़ी ग्रोथ होगी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आपका ये भाई थोड़ा ग्रो कर सके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाकी मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय लव लव, भारत माता की।